नमस्कार दोस्तों, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो है आधार कार्ड में लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और ये किस प्रकार से सही हो सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में लैंग्वेज की प्रॉब्लम इसलिए आती है, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं MP का हूँ, मेरे आधार कार्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। जितने भी आधार कार्ड बनते हैं या फिर अपडेट होते हैं, उस आधार कार्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती हैं। और मान लीजिए मैं उसी आधार कार्ड को कोई अदर स्टेट से अपडेट कराता हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया या फिर अदर अदर स्टेट हो गया, उसमें जाके मैं अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराता हूँ या फिर मुझे अपने आधार कार्ड में जो कुछ भी अपडेट कराना है मैं उस स्टेट से करा देता हूँ जहाँ पर उनकी लोकल लैंग्वेज चलती है। और अपडेट होने के बाद सक्सेसफुल, इसके बाद से मैं नया वाला ऑनलाइन डाउनलोड करूंगा तो उस आधार कार्ड में कुछ ना कुछ उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज दिखाई देती है। या फिर बहुत सारे मैंने आधार कार्ड देखे हैं जिसमें इंग्लिश में ही होते हैं, इंग्लिश के अलावा अदर कोई भी लैंग्वेज उनमें नहीं होती है। जैसे कि मैंने एक आधार कार्ड देखा था वेस्ट बंगाल का, उस पर ओनली इंग्लिश ही था। और मैं उनसे पूछा भी था कि आपकी जो लोकल बंगला लैंग्वेज होती है वो नहीं है, तो बोलते नहीं है, ओनली हमारे इंग्लिश में ही है। आधार कार्ड में लोकल लैंग्वेज का आना इस प्रकार का भी फैक्ट हो सकता है। मैं आपको एक कंफर्म तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब उनको आधार कार्ड का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलती है तो वो लोग अपने ही आधार कार्ड में जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है उनमें अपनी लोकल लैंग्वेज वो लोग रखते होंगे, और इसी प्रकार से जब वो लोग अपडेट करते होंगे तो वही लोकल लैंग्वेज आ जाती है। तो ये भी फैक्ट हो सकता है, लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता। जब भी आप अपडेट कराने जाओ तो आप उसको एक बार बोल देना कि मैं अपडेट तो करा रहा हूँ, वो मेरे आधार कार्ड में पहले से ही इंग्लिश और हिंदी में है, और जब अपडेट हो के मैं डाउनलोड करूँ तो मुझे हिंदी और इंग्लिश में ही आना चाहिए, आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं आना चाहिए। तो अपने हिसाब से वो लैंग्वेज चूज़ करके और अपडेट करेगा। और अगर आपके आधार कार्ड में कोई अदर स्टेट की लैंग्वेज आ चुकी है तो इसको सही करवाने के लिए आपको ही अपने स्टेट में आना पड़ेगा और अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, फिर अदर कुछ भी आप अपडेट करा के और जो नया वाला आप डाउनलोड करोगे ना अपडेट करने के बाद, तो आपका उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हो और आपके आधार कार्ड में कौन सी लैंग्वेज आ चुकी है। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, मन में कोई डाउट, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।